This is Bibika TV. Watch deeply researched documental biography videos. Subscribe, like, hit the bell icon and share. एक ऐसा आर्टिस्ट जो निकल कर आया छोटे से परिवार से, एक ऐसा कलाकार जो फिल्मों में बनने आया था कॉमेडियन, एक ऐसा एक्टर जिसका कोई नहीं था गॉडफादर। वो था रंगमंच का कलाकार, सिनेमा ने दिया जिसे बेशुमार प्यार। पहले लोगों ने कहा, शक्ल देखी है तुम्हारी, लेकिन वो करते रहे कोशिश। He is none other than सबके प्यारे सतीश कौशिक। मेरे 2.5 फुट के छुनछुने जब घर जाएगा ना, तब पता चलेगा कि मैं VIP हूँ या एरिस्टोक्रेट। वैसे तो मैं एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी हूँ, मेरी स्टोरी का पता नहीं है, फाइनेंस का ठिकाना नहीं है, हीरो डेट नहीं दे रहा है, हीरोइन कह रही है कि मैं पूरे कपड़े पहनूंगी। हम और अमिताभ बच्चन गिल्ली डंडा खेलते थे और शॉट मारने से पहले वो हमेशा हमसे पूछता था कि रामो भैया शॉट सिविल लाइन की तरफ मारे है या संगम की तरफ। भैंस बम्बई शहर आवेगी, नकली चारा खावेगी तो दूध तो पतला होगा ही। काशीराम, मगर ये दूध तेरे को बड़ा सूट करे, भैंस की तरह फूलता जा रहा है तू। मुन्नू मोबाइल मेरा छोटा भाई हैंगा, मैं उसका मोटा भाई पप्पू पेजर लाइन पे हूं। भाई ठंडा खोटा मत करो यार, अपनी फीस से मतलब रखो ना। लाया था तुम्हारी मदद के लिए, सोचा था आज कुछ कमाई कर लोगे ना तो मुझसे रम के पैसे उधार नहीं मांगोगे, पर क्या है ना, तुम्हारी हड्डियों में तो हराम बैठ गया। अपन वो फॉरेन फिल्म थी ना, हाँ साहब, उसमें हम लाइट बॉय का काम किया था, 10,000 रुपया मिला था साहब। अब सर माफ करी तो सही, चलिए तो सही, आइए तो सही, बढ़िया तो सही। इतना बढ़िया प्रोग्राम दिखाया है, नाम नहीं बताऊंगी क्या। बंदे का नाम है तरुण व्यास और आप देख रहे हैं बीबीका टीवी, आपका पसंदीदा बायोग्राफी का चैनल, जहाँ पर सच्ची और अच्छी बायोग्राफीज हम लेकर आते हैं। और आज आपके लिए हम मेहनत और जुनून की मिसाल कायम करने वाली बायोग्राफी लेकर आए हैं। मेहनत से कैसे एक छोटी सी जगह से एक लड़का निकलता है और अपने सपने लेकर बड़े बड़े सपनों को साकार कर देता है, ऐसे लड़के का नाम सतीश कौशिक। जी हाँ, सतीश कौशिक जी की जीवनी आज ये आप देखने जा रहे हैं, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आप इस बायोग्राफी को देखने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सतीश कौशिक जी की ये बायोग्राफी। सतीश कौशिक का जन्म हुआ था 13 अप्रैल सन 1956 को, जगह थी दिल्ली का करोल बाग, वहां के 15 नंबर एरिया की नाई वाली गली के 1884 नंबर कमरे में इनका परिवार रहता था। हालांकि सतीश जी के पूर्वज तो हरियाणा के धनोदा गांव से संबंध रखते थे, जो कि हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ में पड़ता है, और ताउम्र सतीश जी ने भी अपने इस गांव से संबंध रखा था। इनके पिताजी का नाम था बनवारी लाल कौशिक, ये एक जानी मानी लॉक यानी तालों की कंपनी में सेल्समैन हुआ करते थे। कहते हैं कि इनके पिताजी से ही हरिसन ताले बेचने की शुरुआत हुई थी। पिताजी को 300 रुपए महीना मिला करते थे, लेकिन घर में खाने वाले थे 8 लोग, पति पत्नी, 3 बेटियां और 3 बेटे। रहने को सिर्फ एक कमरा, लेकिन उस छोटे से कमरे में सतीश जी बचपन से ही बड़े बड़े सपने देखा करते थे। जब 11 साल के हुए तो एक दिन चारपाई पर बैठे बैठे पिताजी को कह दिया, बाबूजी मेरे को भी मशहूर आदमी बनना है, मैं चाहता हूँ मेरा नाम भी अखबार में छपे, कैसा हो सकता है? बेटा, तू जो सोचता है ना वो जरूर होगा, चिंता मत कर। और जिस चारपाई पर बैठकर ये सपने देखा करते थे, आगे चलकर सतीश जी ने इस चारपाई को नाम दिया था उड़न खटोला। पिताजी इन्हें बहुत प्यार करते थे, रविवार को खास तौर पे उन्होंने अपने बेटे सतीश के लिए अंग्रेजी अखबार मंगवाना शुरू किया, और सतीश कौशिक उन अखबारों में फिल्मों के विज्ञापन भी देखते, और बचपन से ही फिल्में देखने का भी शौक उनको होने लगा था, और इसीलिए वो अक्सर माँ के तकिए के नीचे से पैसे चुरा कर भाग जाते और फिल्म देखने चले जाते। एक बार जब गाइड फिल्म लगी
तो गाइड फिल्म देखने के लिए 5 रुपए चुराए और फिल्म देखने चले गए। दूसरी तरफ घर पर माँ को पता चल गया। फिल्म देखकर जब लौटे तब बड़े भाइयों ने और माँ ने मिलकर बहुत डांटा और पिटाई भी हुई, और बाहर गली के दोस्त भी अब उन्हें 5 रुपए का नोट यानी हरा पत्ता नाम से चिढ़ाने लगे। वो कहते थे, वो देखो हरा पत्ता आ रहा है, हरे पत्ते। फिल्मी शौक के चलते माता पिता बड़े नाराज होने लगे, लेकिन फिल्मों का जुनून तो सतीश जी पर ऐसा चढ़ा कि कुछ और नजर ही नहीं आता था। जितेंद्र की एक फिल्म रिलीज हुई थी फर्ज, उसे तो इन्होंने 7 बार जाकर सिनेमा हॉल में देखा और तब जाकर इनका मन भरा। लेकिन जिस फिल्म ने इनके दिलो दिमाग पर असर किया था वो थी मनोज कुमार साहब की फिल्म उपकार। इस फिल्म को देखकर सतीश जी सोचने लगे थे, ये फिल्में कैसे बनाई जाती है, कैसे बनाते होंगे ये फिल्म, और इसी कारण फिर कुछ पुरानी फिल्में भी देख डाली, जैसे मधुमति, अंदाज, नया दौर, और इन फिल्मों के कुछ कैरेक्टर्स भी इनके दिलो दिमाग पर अब असर करने लगे। वो थे कॉमेडियन जॉनी वॉकर, महमूद असरानी। इन तीनों की एक्टिंग और कॉमेडी इन्हें इतनी अच्छी लगने लगी कि उनके जैसे कॉमेडियन बनने के ख्याल आने लगे। अब जब स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई की बारी आई तो इन्होंने अपने एक्टिंग के शौक को पूरा करना शुरू कर दिया। सतीश जी की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के करोल बाग से हुई थी, और उसके बाद जब ये कॉलेज पढ़ने गए तब वहाँ पर कॉलेज का नाम था दिल्ली यूनिवर्सिटी का किरोड़ी मल कॉलेज, और यहीं पर शौकिया थिएटर भी करने लगे, क्योंकि इस कॉलेज में एक ड्रामा ऑर्गेनाइजेशन थी द प्लेयर। इसके जरिए बहुत सारे नाटकों में काम करना शुरू कर दिया। कॉलेज में इनकी एक्टिंग देखकर इन्हें बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर जैसे अवार्ड मिलने लगे, और अब कॉलेज में इनका नाम भी होने लगा। सतीश कौशिक ने जो पहला नाटक कॉलेज में किया था उसका नाम था मिस्टर अभिमन्यु। इसमें इनके किरदार का नाम था जेके। गौरतलब यहाँ ये भी है कि अब तक ये सब कुछ शौकिया थिएटर के रूप में हो रहा था, शौकिया एक्टिंग के रूप में हो रहा था, लेकिन एक इंसान सतीश जी की जिंदगी में ऐसा आया जिसने पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। साल 1972 था, किरोड़ीमल कॉलेज से इनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन उसी दिन पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर फ्रैंक ठाकुर दास ने इन्हें घर पर आकर मिलने के लिए कहा, क्योंकि प्रोफेसर सतीश जी के नाटकों में इनकी प्रतिभा को देखकर बहुत प्रभावित थे। गौरतलब ये भी है कि ये प्रोफेसर साहब अमिताभ बच्चन को भी पढ़ा चुके थे। अब प्रोफेसर फ्रैंक ठाकुर दास के घर पहुंचे सतीश, तब प्रोफेसर साहब ने कहा, सतीश तुम इधर उधर टाइम वेस्ट मत करना, तुमको एक प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहिए। सतीश जी ने कहा, सर मैं कैसे बनूंगा एक्टर, मेरी तो शक्ल सूरत ही अच्छी नहीं है। तब प्रोफेसर साहब ने कहा, जब तुम कॉलेज में स्टेज पर ड्रामा करते हो ना सतीश, तो तुम सबसे अच्छे दिखते हो, तुम्हें तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेना ही चाहिए। सतीश कौशिक NSD का नाम सुनकर बिल्कुल चौंक गए, क्योंकि इससे पहले कभी नाम ही नहीं सुना था। तब प्रोफेसर साहब ने NSD के बारे में सब कुछ बताया और वहां जाकर कुछ नाटक देखने की भी हिदायत दे दी, और इस तरह सतीश कौशिक वहां जाकर अब नाटक देखने लगे। धीरे धीरे उनका मन अब वहां एडमिशन लेने के लिए तैयार होने लगा। लेकिन ये बात जानकर अब घर पर माँ और भाई सब नाराज हो गए। भाइयों ने तो यहां तक कह दिया, अरे ग्रेजुएशन हो गया है, नौकरी करो भाई, नाटकों में क्या रखा है। पर इनके पिताजी ने कहा, बेटे सतीश तेरे मन में जो आए वो कर, मैं हूं ना तेरे साथ। और यहां ये भी गौरतलब है कि इनके लिए उस वक्त कुछ नौकरी के ऑफर भी आ गए थे, लेकिन पिताजी ने आत्मविश्वास से भर दिया सतीश को और कह दिया, तुम NSD करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस तरह इनका दाखिला हुआ NSD में, जहां इनके क्लासमेट बने अनुपम खेर, करण राजदान, गोविंद नामदेव, आनंद देसाई, कविता चौधरी, अनीता कंवर और बहुत सारे जाने माने नाम। क्लास में भी ये अक्सर अपनी ह्यूमर एक्टिविटीज से सबका ध्यान खींचा करते थे, खुद ही सिचुएशन पर जोक्स क्रिएट करते थे सतीश कौशिक। जैसे ही इन्होंने
एनएसडी में पहला नाटक किया तो इन्हें पता चला कि अब तक शायद मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। फर्स्ट ईयर में इनका पहला प्रोफेशनल प्ले था मैन विदाउट शैडो, और इस तरह अब मन लगाकर पढ़ाई करने लगे और पूरी दुनिया के थिएटर को पढ़ लिया। अब एनएसडी ने अंग्रेजी भी सिखा दी थी। किस्मत से एनएसडी और एफटीआईआई का एक कॉमन प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें 6 महीने के लिए एनएसडी के स्टूडेंट्स को एफटीआईआई और एफटीआईआई के स्टूडेंट्स को एनएसडी के साथ में काम करने का मौका मिला। रंगमंच और सिनेमा के अभिनय के बीच के अंतर को सिखाया जा रहा था। इसका फ़ायदा सतीश कौशिक को बहुत मिला। वहाँ जब कैमरामैन को देखा तो इन्हें लगा, यार ये काम सही है, मुझे फिल्में बनाना सीखना चाहिए। एक्टिंग तो हर कोई कर लेगा, सब अपनी जगह ठीक है, पर फिल्म बनाना बड़ी बात है। यहीं से फिल्म बनाने का बीज मन में उगने लगा था। एनएसडी के दौरान ही एक लड़की से फिर इन्हें इश्क भी हो गया। उसने जब शादी की बात की तो सतीश जी ने कहा, देखो मुझे मुंबई जाना है, हीरो बनना है, मुझे मेरा सपना पूरा करना है, शादी इस वक्त मैं नहीं कर सकता। तब उस लड़की ने कहा, शक्ल देखी है तुम्हारी, अरे कौन देगा तुम्हें रोल, थिएटर तक ठीक है, फिल्म में तुम्हें कोई नहीं देगा। लेकिन सतीश जी ऐसी किसी बात की कोई परवाह नहीं करते थे, क्योंकि एक्टिंग पहले बाकी सब बाद में था। उस वक्त एनएसडी में 4 दोस्तों की मंडली थी, जिसमें एक सतीश कौशिक, एक अनुपम खेर और 2 दोस्त और हुआ करते थे। लेकिन चारों के पास पैसे नहीं होते थे, इसीलिए जब भी किसी का बर्थडे आता तो बस दुकान पर जाते और हलवाई से 4 बेसन के लड्डू खरीदते और उन्हें मुट्ठी में दबाकर एक कर लेते, और उसी के बीच में एक कैंडल फंसाकर उस बेसन के लड्डू यानी बर्थडे केक को काट लिया करते थे और इस तरह से जन्मदिन मनाया करते थे। और इन्हीं मस्तियों के साथ साथ अब ड्रामा की पढ़ाई पूरी हो गई। साल 1978, 3 साल में ट्रेंड एक्टर बनकर पूरे आत्मविश्वास से निकल पड़े मुंबई के सफर पर सतीश कौशिक। 23 साल की उम्र थी, अब एक्टिंग करने बंबई जाना था। लेकिन सतीश जी बड़े समझदार थे, उन्होंने सोचा कि मेरी शक्ल सूरत तो अच्छी ज़्यादा है नहीं और मुझे हाथों हाथ कोई काम भी नहीं देगा। तब इन्हें ख्याल आया कि इनके पिताजी के दोस्त की बॉम्बे में एक टेक्सटाइल मिल है, क्यों ना उसमें नौकरी मिल जाए। इसीलिए अब पिताजी से सिफारिश और 800 रुपये लेकर निकल पड़े बंबई के सफर पर सतीश कौशिक। और वो तारीख थी 9 अगस्त सन 1979, जिस दिन मुंबई की धरती पर कदम पड़े सतीश कौशिक के। मुंबई से रूबरू होने के लिए अब अरोरा जी की प्रीमियर टेक्सटाइल मिल में इन्होंने काम किया और वहाँ इन्हें मिला करती थी 400 रुपये की सैलरी। दिन में काम करते थे और शाम को ड्रामा की दुनिया में काम तलाशा करते थे। लेकिन 7 ही दिन हुए और इन्हें एक्टिंग करने का मौका मिल गया। तारीख थी 16 अगस्त सन 1979, जगह पृथ्वी थिएटर। जिस नाटक में काम मिला था उसमें इनका किरदार था शौकत आजमी के पति वाला रोल। सतीश जी ने रोल निभा दिया। इसका निर्देशन किया था रणजीत कपूर ने और इसी नाटक में इनका एक डायलॉग था जो कि इन्होंने अपनी जिंदगी में अपना लिया। किसी आदमी को अगर नाकामयाब होना ही है तो उस काम में होना चाहिए जो वो करना चाहता है। बस ये लाइंस इनके दिमाग में छप चुकी थी, ये अपने काम में ही नाकामयाब और कामयाब होना चाहते थे। ये मौका भी किस्मत से ही मिला था। हुआ यूं था कि रणजीत कपूर का एक नाटक था जिसमें उनका एक्टर नहीं आया, तब ये रोल सतीश जी ने कर लिया था क्योंकि इन्हें ये डायलॉग्स याद थे। और जब ये नाटक दिल्ली में हुआ था तब बैकस्टेज के रूप में इन्होंने रणजीत कपूर के साथ ये काम किया था, इसी कारण इन्हें ये रोल तुरंत मिल गया। अब पूरे 1 साल तक टेक्सटाइल मिल में नौकरी और शाम को पृथ्वी थिएटर में नाटक किया करते थे। इनका सबसे फेवरेट उस वक्त जो नाटक था वो था बिच्छू, जिसकी परफॉर्मेंस इन्हें भी बहुत पसंद आती थी और लोगों को भी, और बहुत तालियां बजती थी। एक दिन उन्होंने अपने जो जहां नौकरी करते थे उस मिल के मालिक को कहा कि आप भी आइए नाटक देखने, और जब वो नाटक देखने पहुंचे तो उन्होंने कहा, मुंडे तेरी शक्ल भले ही अच्छी नहीं है पर तू एक्टर बड़ा कमालदा है, और उन्होंने भी खूब तालियां बजाई।
तो ऐसे बहुत से नाटक करते चले गए, अलग अलग नाटक संगठनों से जुड़े, यहाँ तक कि बहुत से लोगों को जोड़ा भी। एकजुट राज बब्बर के साथ इन्होंने बनाई जो संस्था नाटक की रही, और साथ ही मजमा थिएटर से भी जुड़े, मतलब थिएटर में डूबने वाले शख्स थे सतीश कौशिक जी। और धीरे धीरे फिल्म लाइन की तरफ भी इनका रुझान कैसे हुआ, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। नादिरा और राज बब्बर जब बम्बई पहुंचे तो उनके साथ एकजुट नाटक संस्था भी बनाई। नाटक के साथ साथ कुछ एड फिल्म में भी इन्होंने काम कर लिया। फिर पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर एक्टर के तौर पर एक छोटी सी बूट पॉलिश करने वाली भूमिका इन्होंने निभा दी। फिल्म का नाम था चक्र, जो कि साल 1981 में रिलीज हुई थी। यहीं से इनकी फिल्मी एक्टिंग की अब शुरुआत हो गई। ए, अपन को दिखाना किधर है वो, आज जरा मजाक कर लेंगे उससे। लेकिन इन्हें जल्द ही लग गया कि सिनेमा में एक्टर बनना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए असिस्टेंट डायरेक्टर बनने की अब सोचने लगे। दिल्ली में आधारशिला नाम से फिर उस वक्त एक फिल्म बना रहे थे अशोक आहूजा, और वहां उनको असिस्ट किया। इस फिल्म में हीरो थे नसीरुद्दीन शाह और अनीता कंवर हीरोइन के रूप में थी। फिल्म 1982 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म से अब सतीश कौशिक ने निर्देशन को सीखा, और ये इनके करियर की आधार यानी फाउंडेशन वाली फिल्म बनी। और इसी फिल्म की एडिटिंग के दौरान इन्हें एक और फिल्म मिल गई। जब फिल्म की एडिटिंग चल रही थी, उस वक्त शशि कपूर के स्पॉट बॉय यूसुफ से इनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कह दिया, देखो शेखर कपूर जा रहे हैं, ये अपनी पहली फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं, अगर तुम असिस्टेंट बनना चाहते हो तो पकड़ लो इनको और तुरंत काम मांग लो, और हाथों हाथ उनका नंबर भी दे दिया। लेकिन फ़ोन पर बात नहीं हो पाई, तो शेखर कपूर के घर पहुंच गए सतीश कौशिक, लेकिन पता चला कि वहां से वो एयरपोर्ट किसी को छोड़ने के लिए निकले हैं। तब सतीश कौशिक सीधा एयरपोर्ट पहुंच गए और शेखर कपूर को वहां जाकर पकड़ लिया। ये पहली मुलाकात थी शेखर कपूर और सतीश कौशिक की, लेकिन शेखर कपूर ने मना कर दिया। फिर बाद में नसीरुद्दीन शाह ने जब कहा तो फिर शेखर कपूर ने इन्हें बुला लिया, और इस तरह इस मुलाकात से शेखर कपूर के असिस्टेंट बन गए सतीश कौशिक। और जिस फिल्म में इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया वो थी मासूम। ये साल 1983 यानी 1983 में रिलीज हुई थी। मासूम फिल्म में सहायक निर्देशन किया, साथ ही तिवारी जी का किरदार निभाया, और इस फिल्म में इन्हें 500 रुपये महीने की सैलरी मिली थी, लेकिन पैसे से ज़्यादा अनुभव मिला। शेखर कपूर से बहुत अच्छा निर्देशन सीखा सतीश कौशिक ने। हुजूर मेरा नाम तिवारी है। तिवारी जी हाँ, मैंने ही आपको तार भेजा था, एक चिट्ठी भी भिजवाई थी माता जी ने। और अब किस्मत साथ दे रही थी, इस फिल्म के दौरान ही एक और फिल्म मिल गई। फिल्म का नाम था जाने भी दो यारो। हुआ ये था कि रंजीत कपूर और कुंदन शाह की मीटिंग चल रही थी, और तभी सतीश कौशिक भी रंजीत कपूर से मिलने उनके घर पहुंच गए। रंजीत कपूर इस फिल्म के डायलॉग लिख रहे थे, तो उन्होंने कुंदन शाह से कह दिया, भाई मैं डायलॉग अकेले नहीं लिख पाऊंगा। तब कुंदन शाह ने कहा, फिर किसे और साथ लेना चाहते हो? रंजीत कपूर ने ऐसे ही कह दिया, ये बैठा है ना सतीश, ये लिखेगा मेरे साथ। सतीश कौशिक एकदम से चौंक गए और कह दिया, रंजीत साहब मैंने आज तक किसी को कोई चिट्ठी नहीं लिखी, डायलॉग कैसे लिखूंगा? रंजीत कपूर ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तुम लिखो मेरे साथ, देखना बहुत अच्छा लिखोगे। और इस तरह डायलॉग राइटर बन गए सतीश कौशिक। और ये भी गौरतलब है कि जाने भी दो यारो फिल्म आज भी सबसे हिट कॉमेडी फिल्म के नाम से जानी जाती है। इसमें पंकज कपूर का एक किरदार था तरनेजा, उसके असिस्टेंट अशोक का किरदार भी निभाया था सतीश जी ने, यानी फिल्म के डायलॉग भी लिखे और साथ ही जबरदस्त अभिनय से फिल्म को सजाया। मेरी बातें तो नहीं सुनी तुमने? बहरे हो? ओके ओके पिंटो, पिंटो वो बहरा है, बहरा। मुझे मालूम है। ये साल था सन 1983, जो इनके लिए करियर का एक खास साल रहा। साल 1983 में वो सात दिन फिल्म रिलीज हुई, जिसमें किशन के रूप में नजर आए। ओ किशन भैया, अपने मोहल्ले की लड़की को पटा रहा था क्या? अपने मोहल्ले की लड़की को? अरे
जाने भी दो यारों फिल्म में अशोक की भूमिका निभाई, साथ ही डायलॉग लिखे। और मंडी नाम से एक फिल्म आई थी, उसमें काउंसलर की भूमिका निभाई। मंडी फिल्म मिलने का भी किस्सा बड़ा कमाल का है। उन दिनों सतीश जी को दोस्त कहा करते थे, यार तुम अलग अलग एक्सप्रेशंस में फोटो खिंचवाओ, भिखारी, पुलिस, गुंडा, शायद तुम्हें बहुत अच्छा रोल मिल जाए। लेकिन सतीश जी तो किसी भी प्रोडक्शन हाउस को देने के लिए कभी भी कोई फोटो नहीं खिंचवाते थे। उनका तो मानना था कि मेरी फोटो देखकर ही कोई मुझे रिजेक्ट कर देगा, और इसीलिए ये फेस टू फेस जाकर काम मांगा करते थे, और इन्हें काम मिलना शुरू भी हो गया था। उन दिनों इन्हें पथरी की शिकायत भी थी, तो पथरी के अस्पताल में जब पहुंचे तो उस एरिया में ही श्याम बेनेगल का ऑफिस था, तो अस्पताल से सीधा ये पहुंच गए श्याम बेनेगल के ऑफिस। और उन दिनों श्याम बेनेगल मंडी फिल्म बनाने वाले थे। जैसे ही इनकी मुलाकात उनसे हुई तो श्याम बेनेगल ने कहा, ये तो ठीक है कि आप NSD से पास आउट हैं, लेकिन आप अपना फोटो जमा करवा दीजिए, हम देख लेंगे। लेकिन फोटो तो कोई थी नहीं, और सतीश जी बचपन से ही मजाकिया थे। उन्होंने श्याम जी को कह दिया, सर मेरे पास फोटो तो नहीं है, पर मेरी ये सोनोग्राफी और एक्सरे रिपोर्ट है, मेरा अंदर का कैरेक्टर तो आपको पता चल ही जाएगा। तब इस बात पर श्याम बेनेगल खूब हंसे, और इस मजाकिया अंदाज के चलते ही रोल इन्हें दे दिया गया। यहाँ ये भी बात सिद्ध हो गई कि फोटो देते तो शायद सिलेक्शन ना होता, लेकिन जो इनसे एक बार मिल लेता था वो इनका ही हो जाता था। फिर ऐसे ही एक दिन GP सिप्पी से भी मुलाकात हुई। गीतकार जावेद अख्तर ने सागर फिल्म के लिए इनकी सिफारिश कर दी। वहां भी फोटो मांगी गई, पर इनके पास तो थी नहीं। बस मुलाकात के जरिए ही इनके चरित्र को समझकर बटुक लाल का किरदार इन्हें सागर फिल्म में दे दिया गया। क्या समझे? समझ गया सर, यही के बड़ी फिस छोटी फिस को खा जाती है, यही कहना चाहते हैं ना आप? सेम टू सेम। इस तरह से इनकी फिल्मी करियर की जिंदगी चल रही थी, और अब जिंदगी में जिंदगी भी आने वाली थी। साल 1985, इनकी शादी हुई शशि जी से। इसी साल मोहब्बत फिल्म भी रिलीज हुई थी। वैसे तो पहले शादी के लिए प्रपोज किया था सतीश कौशिक ने नीना गुप्ता को। इसके पीछे रीजन ये था कि नीना गुप्ता जवानी के दिनों में क्रिकेटर विवियन रिचर्ड से प्यार करती थी, लेकिन विवियन उनसे शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो पहले ही शादीशुदा थे, और इसी कारण सतीश जी ने फिर नीना गुप्ता को प्रपोज किया था, लेकिन नीना गुप्ता ने साफ मना कर दिया था। परिवार ने एक सुंदर सी लड़की देखी सतीश कौशिक के लिए, और साल 1985 में अरेंज मैरिज हुई शशि कौशिक से। साल 1986, पहली बार अब छोटे पर्दे यानी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आए सतीश कौशिक। उस धारावाहिक का नाम था कथा सागर। ये दूरदर्शन पर आता था, और इसमें तुलसियानी का किरदार निभाया था सतीश जी ने। तुमको मालूम, अपना उम्र से 20 बरस छोटा दिखता है तुम। फिर साल 1987, सिल्वर स्क्रीन पर शेखर कपूर के निर्देशन में एक फिल्म बनी। फिल्म का नाम था मिस्टर इंडिया, जिसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी और अमरीश पुरी थे, और इसी फिल्म में एक किरदार सतीश कौशिक ने निभाया जो कि आगे चलकर बड़ा यादगार किरदार बना। इस किरदार का नाम था कैलेंडर। अरे कैलेंडर, क्या बात है अरुण भैया, ये सुबह सुबह मैडमैन की तरह हमें बांग दे रहे हैं क्या? कैलेंडर की भूमिका आज भी याद की जाती है, जो कि बच्चों के लिए खाना बनाता है और उनका रख रखाव करता है। ना चावल है, ना आटा है, ना दाल है, बाय गॉड हमसे बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। इसी साल सन 1987 में इन्हें 5 और फिल्मों में काम करने का मौका मिला था। साल 1989 आया तो 5 फिल्में और रिलीज हुई, जिनमें राम लखन के लिए इन्हें बहुत सराहा गया। अनुपम खेर के साथ काशीराम बनकर ये नजर आए। ये किरदार बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था, और इस किरदार के लिए सतीश कौशिक को बेस्ट कॉमेडियन एक्टर का अवार्ड भी मिला था, और गौरतलब ये भी है कि इस अवार्ड को साझा किया था उन्होंने अनुपम खेर के साथ। सेठ जी अंडों पर बैठे हैं। सेठ जी, अंडा भारी है ना? कई काशीराम। जय जयराम। साल 1990, राजेश खन्ना और गोविंदा की एक
इमोशनल फिल्म स्वर्ग रिलीज हुई, जिसमें एक अहम किरदार था एयरपोर्ट, और गोविंदा की मदद कर वो उसे सुपरस्टार बना देता है। भगवान कसम, घबराओ नहीं भैया, सही हाथों में आके अटके हो। इसी साल जमाई राजा में ये बीबीसी यानी बांके बिहारी चतुर्वेदी का यादगार रोल निभाते नजर आए। आज से आप डीडीटी दीनदयाल त्रिवेदी और मैं बीबीसी बांके बिहारी चतुर्वेदी। या एक्टिंग भी चल रही थी, साथ ही असिस्टेंट डायरेक्शन का काम भी चल रहा था, और इन्हें अब इंतजार था इंडिपेंडेंट फिल्म निर्देशन करने का, और ये सपना भी पूरा हो गया। शेखर कपूर एक फिल्म का निर्देशन कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि इस फिल्म में फील ही नहीं है, इसीलिए फिल्म को बीच में छोड़ दिया। तब फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने असिस्टेंट सतीश कौशिक को ही बना दिया डायरेक्टर, और इस तरह डायरेक्टर बनने का सपना साकार हुआ, और वो भी एक बड़े महंगे बजट वाली मल्टी स्टारर फिल्म के साथ। फिल्म का नाम था रूप की रानी चोरों का राजा। ये साल 1993 में रिलीज हुई थी। इसमें हीरो थे अनिल कपूर और हीरोइन श्रीदेवी। ये एक बड़े बजट की फिल्म होते हुए भी एक सुपर डिजास्टर फिल्म साबित हुई। ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली। एक बार तो इनका मन आत्महत्या करने जैसा हो गया था, लेकिन बोनी कपूर और जावेद अख्तर ने कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब किस्मत की बात है। अब किस्मत से घर में किलकारी भी गूंजी। साल 1994, शादी के ठीक 9 साल बाद इनके घर में किलकारी गूंजी बेटे शानू की, और यही वो साल था जब फिलिप्स टॉप 10 नाम से टेलीविज़न पर एक प्रोग्राम आता था, जिसमें नॉनी सिंह बनकर इन्होंने एंकरिंग भी की और साथ ही उसे लिखा भी था। पाजी, मेरा मैथ है ना, मेरी तरह वीक है। तेरा मैथ बहुत ही ज्यादा वीक हुआ ना। ये बहुत ही फेमस टीवी काउंटडाउन शो था, इसके लिए इन्हें वीडियोकॉन अवार्ड भी मिला था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। साल 1995 आया, और अब बोनी कपूर की एक और फिल्म का निर्देशन किया सतीश कौशिक ने। ये फिल्म साल 1995 में रिलीज हुई। फिल्म में तब्बू पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर नजर आई। फिल्म का नाम था प्रेम, जिसमें अनिल कपूर के भाई संजय कपूर और तब्बू लीड रोल में थे। ये फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, और यहाँ ये भी गौरतलब है कि ये भी ऐसी फिल्म रही जिसे शेखर कपूर ने छोड़ दिया था और निर्देशन सतीश कौशिक को करना पड़ा था। सतीश कौशिक दूसरी फिल्म भी फ्लॉप होने से बहुत दुखी थे। ये वक्त भी सतीश कौशिक के जीवन में एक बुरा वक्त लेकर आ रहा था। पारिवारिक जिंदगी में भी त्रासदी ने दस्तक दे दी। 2 साल के बेटे शानू कौशिक की साल 1996 में मौत हो गई। ये बहुत ही दिल दहला देने वाला समय होता है किसी भी परिवार में। सतीश कौशिक और उनकी पत्नी शशि बुरी तरह से टूट गए। एक तरफ तो घर में गम का माहौल था, और दूसरी ओर सिनेमा घरों में साजन चले ससुराल फिल्म रिलीज हुई थी। वहाँ मुथु स्वामी का किरदार निभाते सतीश कौशिक नजर आ रहे थे। लोग उन्हें देखकर खूब हंस रहे थे, और मुथु स्वामी के किरदार के लिए सतीश कौशिक जी को बेस्ट कॉमेडियन फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। लेकिन गम का माहौल ऐसा था कि अवार्ड की चमक फीकी पड़ रही थी। सतीश जी अक्सर कहते थे, जितने लोग भी हंसाने का काम करते हैं वो लोग मेरी तरह पर्सनल जिंदगी में बड़े गमगीन होते हैं। लेकिन कहते हैं, समय घावों को भर देता है। अब धीरे धीरे फिल्मों में काम वापस करना शुरू कर दिया। डेविड धवन, गोविंदा, सतीश कौशिक और कादर खान, ये ऐसी जोड़ी बन चुकी थी जो कि कई फिल्मों में लोगों को हंसाते नजर आई। सतीश कौशिक जी ने एक से एक हंसा देने वाले किरदार निभाए। साजन चले ससुराल के मथु स्वामी, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में अक्षय कुमार के चंदा मामा, अमिताभ बच्चन गोविंदा की बड़े मियाँ छोटे मियाँ में चोर बाजार में ईमानदारी निभाते शराफत अली। क्या हो रहा बे? अबे चोर बाजार में हंगामा, अबे ऐसा लग रहा जैसे शोले फिल्म की शूटिंग चल रही। और दीवाना मस्ताना के पप्पू पेजर, परदेसी बाबू के हरपाल सिंह, आंटी नंबर 1 के मिस्टर परेशान। परेशान जी, आपका मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यार, मैंने तुम्हें ब्रेक तो दिया है, पर इतना ख्याल रहे कि मेरे करियर पे ब्रेक ना लगे।
हम आपके दिल में रहते हैं के जर्मन। ऐसे कई किरदार थे जो कि सतीश कौशिक जी ने सिल्वर स्क्रीन पर यादगार बना दिए। सतीश जी के अवार्ड्स की बात करें तो राम लखन और साजन चले ससुराल सिर्फ दो बार ही इन्हें बेस्ट कॉमेडियन के अवार्ड मिले थे। लेकिन सतीश जी के मन में एक दर्द हमेशा रहता था कि मैं निर्देशक अच्छा नहीं हूँ। लेकिन एक दिन अनिल कपूर ने इस बात को भी झूठा साबित कर दिया। अनिल कपूर के कारण सतीश जी को निर्देशन करने का फिर से मौका मिला। अनिल कपूर ने उस फिल्म के प्रोड्यूसर डी रामा नायडू से कहा था कि आप इस सब्जेक्ट के लिए अगर फिल्म बना रहे हैं तो सही निर्देशक सिर्फ सतीश कौशिक ही हो सकते हैं। और निर्माता ने अनिल कपूर की बात मान ली और सतीश कौशिक जी को ये फिल्म मिली और अनिल कपूर के भरोसे पर खरे उतरे सतीश कौशिक। ये फिल्म सुपरहिट फिल्म साबित हुई। साल 1999 में ये रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था हम आपके दिल में रहते हैं। बतौर निर्देशक सतीश जी की ये पहली सुपरहिट फिल्म थी। इसके बाद तो फिर निर्देशन के लिए कई फिल्में इनकी झोली में आ गई। मुझे कुछ कहना है, बधाई हो बधाई, सलमान खान की तेरे नाम, वादा, शादी से पहले, हिमेश रेशमिया की कर्ज, तेरे संग, मिलेंगे मिलेंगे, कागज, गैंग्स ऑफ घोस्ट और इनमें से कुछ फिल्मों में सह निर्माता भी बने सतीश कौशिक। और जब साल 2007 आया तो अभिनेता अनुपम खेर के साथ इन्होंने एक फिल्म कंपनी बना दी जिसका नाम था करोल बाग प्रोडक्शन। इस बैनर की पहली फिल्म जब बनी तो उसका निर्देशन भी किया सतीश कौशिक ने। फिल्म का नाम था तेरे संग। ये साल 2009 में रिलीज हुई थी जिसमें रुसलान मुमताज और शीना शाहबादी ने अभिनय किया। ये फिल्म किशोर गर्भावस्था के मुद्दों पर आधारित फिल्म थी। और यही साल सन 2007 हॉलीवुड भी लेकर पहुंचा सतीश कौशिक को। सतीश जी कहते थे, एक ज्योतिषी ने कहा था कि तुम इंटरनेशनल फिल्म करोगे। मैं हंसा करता था लेकिन वो बात सच साबित हुई। सुभाष घई की एक फिल्म थी शादी से पहले, इसका निर्देशन किया था सतीश कौशिक ने। लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हुई तो काफ़ी अपसेट हो गए थे सतीश जी और अपने मूड को फ्रेश करने के लिए दिल्ली पहुंच गए और ली मेरिडियन होटल में रुक गए। तभी इनके मोबाइल की घंटी बजी और दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं कास्टिंग डायरेक्टर लवनीन टंडन बोल रही हूँ दिल्ली से। एक हॉलीवुड की फिल्म में बहुत अच्छा रोल है, मुझे लगता है आप इसके लिए बिल्कुल फिट हैं। क्या आप स्क्रीन टेस्ट देना पसंद करेंगे? आप कहें तो मैं मुंबई आ जाती हूँ। इस पर सतीश जी ने कहा, मैं दिल्ली में ही हूँ और ली मेरिडियन में रुका हुआ हूँ। तभी वो बोल पड़ी, मैं भी इसी होटल की लॉबी से बोल रही हूँ और ये भी बड़े इत्तफाक की बात है। बस 5 ही मिनट हुई और इन दोनों की मुलाकात हुई। ये फिल्म ब्रिक लेन किताब पर आधारित थी, इसीलिए तुरंत ये किताब खरीद कर इन्होंने पढ़ी। सोचा ये किरदार तो सूट में होना चाहिए, लेकिन इनके पास उस वक्त बैग में सूट नहीं थे, इसीलिए दिल्ली में रातों रात सूट सिलवाया गया और फिर सुबह ऑडिशन दिया गया। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो बहुत ही पसंद की गई। ये फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था ब्रिक लेन। ये बांग्लादेशी कहानी पर आधारित फिल्म थी जिसकी स्टोरी ब्रिक लेन किताब पर आधारित थी। इस फिल्म में चानू अहमद का किरदार निभाया था सतीश कौशिक ने। इस फिल्म को जब किताब की लेखिका मोनिका अली ने देखा तो उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किताब से निकलकर सच में चानू अहमद बाहर आ गया। मुझे इनकी एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। ऐसी अभिनय की जादूगरी के धनी थे सतीश कौशिक। इसके बाद एक और हॉलीवुड फिल्म में इन्होंने काम किया था। सतीश कौशिक अक्सर अपने कॉमेडी अंदाज के बारे में जाने जाते थे, लेकिन ये फिल्में सीरियस रोल वाली फिल्में थीं। साथ ही इन्होंने एक सीरियस नाटक भी किया था जिसमें इनकी सबसे फेमस भूमिका थी। नाटक था सेल्समैन रामलाल, जो कि आर्थर मिलर के नाटक डेथ ऑफ सेल्समैन का हिंदी रूपांतरण था। उसमें विली लोमन का जो किरदार था वो स्टेज की दुनिया में सतीश कौशिक का एक यादगार किरदार है। यार जिंदगी खत्म हो गई, मुझे कारपेट वाले ने नौकरी से निकाल दिया। सतीश कौशिक ने टेलीविजन स्क्रीन पर भी लोगों को और हंसाया जब शो आया द ग्रेट इंडियन फैमिली ड्रामा, जिसमें मुख्य भूमिका में नवाब जंग बहादुर बनकर इन्होंने लोगों को हंसाना शुरू किया। सतीश कौशिक फिल्मों में काम करने के साथ साथ
अपने गांव पर, अपने हरियाणा पर भी ध्यान देते थे। इन्होंने हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ये कहा था कि मैं 5 फिल्में हरियाणवी भाषा पर बनाऊंगा। सतीश जी ने अपने गांव की भी पूरी जिम्मेदारी ले रखी थी। धनौदा को उन्होंने गोद ले रखा था। वहां पर सभी विकास के काम करवाते थे, रोड बनाना, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, शिक्षा, वहां के बच्चों को थिएटर और म्यूजिक की ट्रेनिंग देना, और साथ ही सतीश जी ने एक बहुत बड़ा स्टेडियम भी अपने गांव में बनवाया। सतीश जी ने एक एनजीओ भी बनाई थी जिसका नाम था रूट्स। सतीश जी कहते थे, अगर भगवान हमें कुछ देता है तो हमें वापस अपनी जड़ों को वो लौटाना चाहिए। सतीश जी यूं तो हमेशा हंसते रहते थे, लेकिन जब बेटे की बात आती तो उनकी आंखें नम हो जाती थी। वो कहते थे, मैं मेरे 2 साल के बेटे में एक फ्यूचर का एक्टर देखा करता था, पर यह सपना पूरा नहीं हो सका। इस बात को बोलते हुए वो अक्सर आंखों में आंसू ले आते थे, लेकिन इनके तड़पते दिल पर उस वक्त एक खुशी की लहर आई जब इनकी बेटी वंशिका का जन्म हुआ। ये इस खुशी को बयान ही नहीं कर पाते थे। साल 2012 में सैरोगेसी से इनकी बेटी वंशिका का जन्म हुआ था। फिल्मों के अलावा सतीश कौशिक की एक रियल एस्टेट कंपनी भी थी। कौशिक रियल एस्टेट कंपनी ने सारंगपुर गांव चंडीगढ़ में 12 हेक्टेयर को खरीदा था। चाहते थे फिल्म सिटी बनाना, लेकिन किन्हीं कारणों से ये सपना साकार नहीं हो पाया। सतीश कौशिक अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखते थे। रोजाना घूमना, जिम में जाना, कसरत करना, ये सब इनकी रूटीन का हिस्सा था। जो भी सतीश कौशिक के आसपास होता था वो हमेशा हंसता था और उसमें पॉजिटिविटी आ जाती थी, क्योंकि सतीश जी कहते थे, नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। और इसी जिंदादिली के साथ वो नए लोगों को मौका भी दिया करते थे और आगे बढ़ाया करते थे। उनके बहुत से सपने थे जो वो पूरा करना चाहते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने उनके दिल को दहला दिया। 9 मार्च सन 2023, सतीश कौशिक की जिंदगी की ऐसी तारीख थी जो उनके दिल पर वज्रपात की तरह आई। 9 तारीख से वैसे भी सतीश जी का एक नाता रहा है। जब मुंबई पहुंचे थे तो वो भी 9 तारीख थी, और जब दिल्ली पहुंचे और हार्ट अटैक आया वो भी 9 तारीख थी। 9 मार्च सन 2023, इस दुनिया को अलविदा कह गए सतीश कौशिक। गुरुग्राम में 66 साल की उम्र में सतीश जी का निधन हो गया, और ये खबर भी इनके खास दोस्त अनुपम खेर ने सबको बताई। ये कोई भी नहीं सोच सकता कि कौन, कब, कैसे, कहां, किस तरह से चला जाएगा। कुछ ही दिनों पहले इंस्टाग्राम पर सतीश जी ने जावेद अख्तर के साथ जो होली मनाई थी उसकी फोटोग्राफ्स शेयर की थी। कौन जानता था कि ये इनका आखिरी पोस्ट होगा। सतीश कौशिक इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन जहां भी जाएंगे वहां सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। बीवी का टीवी सलाम करता है सतीश कौशिक जी को, जिन्होंने अभाव की जिंदगी को प्रभाव की जिंदगी में बदल दिया और अपने सपने पूरे किए। बहुत कुछ सीखने को मिला हमें इस बायोग्राफी से, और ये भी जानने को मिला कि चाहे शक्ल सूरत कैसी भी हो, अगर आप में टैलेंट है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन सतीश जी एक बात कहते थे, अगर आप में टैलेंट है तो उसे परखिए, आप जानते हैं कि आप कितने पानी में हैं। इसलिए जब आप खुद को पहचान लें और जब आजमाने पहुँचें तो बिल्कुल सीख कर जाइए, मुंबई आपको हाथों हाथ काम देगी। तो बस ऐसी ही खूबसूरत बातें करते रहे ये, और हम भी बातें करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं ऐसी जीवनियां। और एक चैनल हमारा और है जो है बॉलीवुड टॉकीज़, वहां भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है। ऊपर आपको यहां लिंक नज़र आ रहा है, सब्सक्राइब इसे भी कर लें। तो अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को अगली बायोग्राफी तक के लिए, तब तक इंतज़ार करिए और डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।